बिहार कोयलवरी कामगार यूनियन के चासनाला स्थित यूनियन कार्यालय में शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी का 24वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुंदर लाल महतो ने किया, जबकि संचालन जोगिंदर महतो ने किया। इस अवसर पर उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके तस्वीर पर माल्यार्पण पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वह हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, जिसके कारण अपराधी तत्वों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिनके याद में आज उनके शहादत दिवस का अवसर पर बिहार कोयलवरी कामगार यूनियन के जितने भी शाखा हैं उसमें शहादत दिवस मनाया जा रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है। शहादत दिवस है, वो हमारा जो है निरसागर विधायक थे, वो हमारे धनबाद में संयुक्त ट्रेड यूनियन का मीटिंग था, हड़ताल का लेकर धनबाद आए हुए थे। धनबाद से ये जब जा रहे थे तो देवली का सामने उसका जो है गुंडा लोग जो है उनका हत्या कर दिया, उसी का ऐसे आज जो है उनका हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। ऐसे तो 2 बजे से आपका बड़ा प्रोग्राम हमारा देवली में होगा, लेकिन हम लोग का जहाँ बिहार पूर्व कामगार यूनियन का जहाँ जहाँ हम लोग का ब्रांच है सब जगह उनको हम जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। वो एक्चुअली मजदूर का रात 12 बजे भी जरूरत होता था तो मजदूर के बीच में पहुँच जाता था, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो जहाँ उसको याद करे अपना बुलेट उठाए पहुँच जाता था, ये था। किंतु गुंडा लोग का था कि किसी तरह इसको हत्या कर दे। निरसा में तो जानते हैं मैक्सिमम वहाँ पर जो है कोयला चोरी का चलता था, वो एक तो नरवंदर सिंह था, उसको जो कि पेट्रोल पंप मिल गया था वो माझी के नाम से, वो आपका जो गलत लेकर वो अपने कब्जा रखा था वो माझी के नाम से दिला दिया था, वो आपका 2 भट्टा चला रहा था हाड़को भट्टा चोरी का कोयला से, वही उसको पकड़ा कर उस टाइम दिनेश सिंह 20 SP था, वो आपका माथा छिला कर गधा में चढ़ाकर उसको पूरा निरसा में घुमाया था, वो आपका जो जेल चला गया तो नरवंदर सिंह जेल में प्लानिंग करने लगा, उसमें हमारा साथी जोगिंदर माधव भी जेल में था कि हम उसको हम लोग कैसे हत्या करेंगे क्या करेंगे, हम लोग जैसे हम लोग तुरंत उनका डेरा किए और बोले दादा थोड़ा आप होशियार रहिए कि आपका ये लोग हत्या कर वो चलो चोर लोग वहीं जो लोग हमारा क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा निशक्ति रहा उनका तब भी होशियार रहिए कोई ठीक नहीं है, किंतु लास्ट में इनका हत्या कर दिया। इसी का हम लोग जो है इस तरह का जो है समाज में जो है चोर चूहा लोग जो आपका मजदूर का मसीहा था उसका हत्या कर उसको हम लोग निंदा करते हैं। आज गुरुदास चटर्जी का हम लोग सब श्रद्धांजलि दिए उसमें उसको जो है कि गुरुदास चटर्जी जो है उनका जो विचार है उनका विचार के लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा बिहार पूरे काम करेंगे, उनका जो आगे बढ़ाए उनका अधूरा काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे, इसी के लिए आज जो है श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित कर रहे हैं गुरुदास। आज के दिन कॉमरेड गुरदास चटर्जी जो मजदूर का मसीहा माने जाते थे सही माने में थे भी, वह निरसा के विधायक भी कई बार रहे और उन हमारे यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, और उनका जो हत्या हुआ वह यूनियन के कार्यक्रम में ही हुआ, यूनियन के कार्यक्रम से ही जो हम लोग जगजीवन नगर में 500 ट्रेड यूनियन का एक सम्मेलन हो रहा था हड़ताल के सवाल पर, उसी मीटिंग से वह वापस निरसा जा रहे थे, उसी टाइम देवली के पास वहाँ का जो गुंडा लोग है जिसको उन्होंने मूड़ी कुचलने का काम किया था वह गुंडा लोग मिलकर उनको देवली में हत्या कर दिया। साथ ही इस सवाल पर हमको कहना है कि हमारे कॉमरेड गुरदास चटर्जी बहुत ही निर्भीक थे, मजदूर का मसीहा थे और कोई भी पार्टी से उनको मतलब नहीं था, चाहे जो भी पार्टी के लोग जाए चाहे कांग्रेस का हो CPI का हो कोई भी पार्टी का हो कोई भी जनता हो कोई भी उनके पास जाते थे वह निर्भीक होके उनके काम को कर देते थे, वो आदमी को मनुष्य को वह महत्व देते थे कोई पार्टी को नहीं देते थे, इसीलिए सही माने में मजदूर मसीहा थे, हर एक स्थिति में वह सबके सामने रात दिन किसी भी टाइम गांव घर में जाकर हाजिर हो जाकर यहाँ गांव में पंचायती भी करते थे, अगर गांव में लोगों का आपस में घर में झगड़ा होता था पूरे निरसा क्षेत्र में हर एक घर में जाकर हर एक घर घर से उनका संबंध था, और साथ ही उनका जो हत्या का षड्यंत्र था संजोग से हम भी जेल में थे, हमने वो चोरा मास्टर वगैरह वगैरह उनका लड़का लोग जो था सब लोग वहाँ प्लानिंग बना रहा था, वो नहीं जानता था कि हम कौन हैं,
हमने सारा बात सुना, हमने जेल से निकल के हमारा साथी कॉमरेड सुंदरलाल महतो को सारा बात सुनाए और हम लोग दोनों उनके घर गए और जाकर उनको हम लोग सूचित किए कि दादा आपको इस तरह मर्डर का आपको प्लानिंग बना रहा है, हम जेल में थे, हम सारा सुन के आए। लेकिन वह बहुत ही उनका मनोबल ऊंचा था, वो कहे ऐसा लड़का करेगा और वह अपना कार्यक्रम जैसे करते थे वो करते रहे। और ये जो गुंडा लोग था हमारे साथी सुंदरलाल महतो जी ने कहे कि एक आदिवासी के नाम से एक पेट्रोल पंप था और वह चोरा मास्टर उसको दखल किए हुए था और उसी को हमारे कॉमरेड गुरदास चंद्र ने जबरदस्ती माझी के नाम से करवा कर उनको दखल मुक्त करा दिया। और इसी के चलते सारा लोग एक होकर उनके ऊपर यह हमला किया और उनको इस तरह से हत्या का षड्यंत्र करकर उनको हत्या कर दिया। इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं। आज के दिन में हमारे बिहार कोयले कामगार यूनियन के जितने भी शाखा है, ब्रांच है, सभी जगह आज हम लोग उनका शहादत दिवस मनाते हैं। वैसे तो दिल्ली में आज विशाल प्रोग्राम है, वहाँ भी सब लोग जाएंगे, वहाँ केंद्रीय प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग शाखा में जो मना रहा होता है आज हम लोग शाखा में श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही हम लोग प्रोग्राम।